दोस्तों, हम अपना जब भी इंस्टाग्राम ओपन करते हैं तो हमारा ऑनलाइन स्टेटस सभी फॉलोअर्स को नज़र आता है। हमारे सभी फ्रेंड को पता चल जाता है कि हम अभी इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं इंस्टाग्राम ओपन करके तो हमारा ऑनलाइन स्टेटस सभी को नज़र आएगा कि हम अभी ऑनलाइन हैं। तो दोस्तों, हम चाहते हैं बहुत सी बार कि हमारा ऑनलाइन स्टेटस किसी को नज़र ना आए, हमारे फ्रेंड को, हमारे फॉलोअर्स को हमारा इंस्टाग्राम ऑनलाइन नज़र ना आए, यानी कि हमारा आइकन, ग्रीन आइकन नज़र ना आए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है। आप वहाँ से उस वीडियो को देख लीजिएगा कि हमारा ऑनलाइन स्टेटस हम हाइड कैसे कर सकते हैं सभी फॉलोअर्स के लिए, सभी के लिए। दोस्तों, इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि हम भी किसी का ऑनलाइन स्टेटस नहीं देख पाएंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर ये बताएंगे कि हम किसी एक पर्सन से अपना ऑनलाइन स्टेटस हाइड कैसे कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, अगर हम चाहते हैं बहुत सी बार कि हमारा ऑनलाइन स्टेटस सिर्फ एक पर्सन से हाइड हो जाए, हमारे एक फॉलोअर से हाइड हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। हाँ दोस्तों, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि वीडियो आपको पूरी देखनी पड़ेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम इस तरह की वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, अगर आप चाहते हैं किसी एक पर्सन को अपना ऑनलाइन स्टेटस हाइड करना, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, जिस पर्सन से आप चाहते हैं अपना ऑनलाइन स्टेटस हाइड करना, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको उसकी प्रोफाइल पर चलना होगा। जैसे मान लीजिएगा कि मुझे इसके प्रोफाइल पर चलना है, जैसे मैं इसकी प्रोफाइल पर चलता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना होगा। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर अनरिस्ट्रिक्टेड, यानी कि मैंने इसको रिस्ट्रिक्टेड किया हुआ था, यानी कि पहले से मैंने इसको हाइड किया हुआ था। तो यहाँ पर मुझे इसको अनहाइड करना है पहले, तो देख सकते हैं आप अकाउंट अनरिस्ट्रिक्टेड, यानी कि ये पहले से हाइड हुआ था। तो मुझे यहाँ पर फिर से इसको वापस चलता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि ये वाला ऑप्शन पर आपको क्या करना है, रिस्ट्रिक्टेड पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं आपका इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको लर्न मोर पर क्लिक करना है। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, इसके दो और फ़ायदे हैं आपको इस ऑप्शन के अंदर, तीन फ़ायदे मिलेंगे। तो एक फ़ायदा तो ये होगा कि आप किसी का भी अपना ऑनलाइन स्टेटस इस एक शख्स से हाइड कर सकते हैं, यानी कि एक पर्सन से हाइड कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं, इसके अंदर दो और फ़ायदे हैं। दो फ़ायदे कौन कौन से हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कमेंट होते हैं, आपकी जो आप अपने जो चीज़ आपके पोस्ट को जो आप शेयर करते हैं तो उस पर जो कमेंट आते हैं, उस कमेंट को भी आप हाइड करना चाहते हैं किसी एक पर्सन से, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। यानी कि कोई भी आपको कमेंट तो करेगा लेकिन वो शो नहीं होगा, किसी के पास शो नहीं होगा, यानी कि वो सिर्फ आपके पास आएगा और आपके जिसने इसको कमेंट किया है, जिसने कमेंट किया उसी के पास ये कमेंट जाएगा। तो आप किसी के कमेंट को भी हाइड कर सकते हैं, यानी कि वो पर्स कमेंट सिर्फ आपके पास ही आएगा और उसके पास ही जाएगा, बाकी शो नहीं होगा। तो इस तरह से एक फ़ायदा ये भी है इसका कि कमेंट भी आप हाइड कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि आपका जो मैसेज होता है, आप ये तीसरा आप देख सकते हैं, तीसरा फ़ायदा ये है इसमें कि जो मैसेज वो करता है वो भी वहाँ पर आपको शो नहीं होगा, यानी कि वो मैसेज तो कर देगा लेकिन आपके पास भी आ जाएगा और आप उसको देख भी लेंगे, लेकिन वो शो नहीं, उसको पता नहीं चलेगा कि आपने उसका मैसेज भी देख लिया है, रीड भी कर लिया है, और उसको पता भी नहीं चलेगा कि आपका मैसेज आपने रीड कर लिया है। तो इसका ये भी फ़ायदा है। तो लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि आप उसके मैसेज को आंसर नहीं दे सकते, यानी कि उसका रिप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन आप उसका मैसेज पढ़ सकते हैं, लेकिन वो आपकी मेन मैसेंजर में नहीं आएगा बल्कि उसके रिस्ट्रिक्टेड में अकाउंट के अंदर ही आएगा। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आप देख सकते हैं इस तरह से आप किसी के भी अकाउंट को रिस्ट्रिक्टेड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं अलग अलग पर्सन को करना, तो उसके लिए आप डायरेक्ट सेटिंग में भी जा सकते हैं। सेटिंग में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी प्रोफाइल पर चलना है। आपकी प्रोफाइल पर चलने के बाद आपको थ्री डॉट पर चलना है। थ्री डॉट पर चलने के बाद आपको सेटिंग में चलना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर चलना है। आपको प्राइवेसी के ऑप्शन पर चलने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड अकाउंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा रिस्ट्रिक्टेड अकाउंट पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरह का आपको इंटरफेस नज़र आएगा। तो यहाँ पर भी आप तीन तरह के ऑप्शन नज़र आएंगे। तो यहाँ से आप तीन तरह के ऑप्शन देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप किसी को रिस्ट्रिक्टेड करना चाहते हैं तो यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पर आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अभी एक शख्स को रिस्ट्रिक्टेड किया था तो यहाँ पर आ चुका है। अगर आप चाहते हैं और किसी फॉलोअर्स को और किसी फ्रेंड को रिस्ट्रिक्टेड करना, तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ से किसी भी बंदे को सर्च कर सकते हैं।
तो यहाँ पर आप चाहे तो एक और को कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक और को कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक और यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड हो चुका है। ये भी आपका ऑनलाइन स्टेटस आपका नहीं देख पाएगी और ये आपको पर कमेंट भी नहीं कर पाएगी आपकी पोस्ट पर। तो इस तरह आप किसी को भी अपने व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम के अंदर हाइड कर सकते हैं। आप यहाँ से इसको अनरिस्ट्रिक्टेड भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं इसको वापस लाना। तो यहाँ से आप अनरिस्ट्रिक्टेड करके इसको अनरिस्ट्रिक्टेड भी हो जाएगा, भी आसानी से हो जाएगा। तो इस तरह आप किसी को भी अपनी ऑनलाइन स्टेटस भी हाइड कर सकते हैं। इसके अलावा और भी आप मैसेज वगैरह भी हाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह आप अपने फ्रेंड को, अपने किसी भी फ्रेंड को अलग अलग करके भी और एक साथ भी कर सकते हैं। दोस्तों, किसी लगी आपको ये वीडियो, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इस तरह की वीडियो को लाते रहते हैं।